हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये देखिए सॉक्स का ये मैंने अंगूठा यहाँ पे बना लिया है। आज मैं आपको पंजे का पोर्शन बनाना बताऊंगी कि पंजा कैसे बनता है सॉक्स का। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन मैंने आप लोग को बताया ही ऑलरेडी, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इसके पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सॉक्स बनाना बताया था आप लोग को, बटरफ्लाई वाला है ये, बिल्कुल सिंपल सॉक्स है। यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन मैंने अंगूठा यहाँ पे बना लिया है। आज आपको ये पंजा बनाना बताऊँगी। तो पंजा बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर ये सेकेंड कलर लगाया हुआ है पर्पल कलर का। इसको हम सीधा सीधा निट करते हैं। आपने टोटल फंदे को काउंट कर लेना है कि हमारे कितने फंदे हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स पहले हमने यहाँ पे बीच में बराबर फंदे को लेकर, फिर हमने यहाँ पे जैसे दो फंदे इधर से और एक फंदे इस सिलाई का लेके बराबर बराबर करके, तो हमें तीन फंदों का एक करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे हमारे, देखिए एक साइड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे एक साइड, और इधर देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 12 13, इधर 16 फंदे हैं फ्रेंड। तो इधर 13 फंदे हैं, तो इधर 16 हैं, तो यहाँ पे तीन फंदे एक्स्ट्रा है इस वाले सिलाई में, तो हमने तीन फंदों का एक करना है। अब देखिए तीन फंदों का एक कैसे करना है फ्रेंड। एक ये बीच का जो फंदा होगा उसको हमने ऐसे, देखिए आगे का फंदा पीछे का फंदा हम आगे लाएंगे, और ये जो बीच वाला फंदा है उसे फ्रंट साइड लाएंगे, और यहाँ पे हम तीन का एक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तीन का एक कर दिया, बाकी के फंदे हम ऐसे ही सिंपल निटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी सिंपल निटिंग की है, बैक साइड से हमने सारे फंदे को उल्टा उल्टा निटिंग करना है, यानी उल्टा उल्टा बुनना है सारे फंदे को। देखिए देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे फंदे को बुन लिया है। अब फ्रंट साइड हमने फिर देखिए सीधा सीधा हमने नीटिंग करना है।
हम वहाँ तक नीटिंग करेंगे फ्रेंड, जहाँ पे हमारा 3 का 1 फंदा हुआ है वहाँ तक हम करके जाएंगे। ये देखिए हमारा पता चलता है फ्रेंड जब हम 3 का 1 करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 का 1 किया है, तो देखिए ये बीच का हमारा फंदा है। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस फंदे को ऐसे इस पे लेंगे, फिर इसको इस पे लेंगे। अब ये बीच वाला फंदा हम फ्रंट साइड करेंगे यानी पहले, और ये वाला फंदा हम इस सलाई पे लाएंगे और इसको गिरा के फिर हम ये आगे की साइड कर लेंगे। और ध्यान रहे कि हमारा फंदा पलटे ना, नहीं तो हमारी ये यहाँ पे जो हमारी ये चोटी बनती है एक, तो वो बनेगी नहीं। देखिए फ्रेंड ये हमारी ऐसे बन के कम्प्लीट होगी। और सारे फंदे को हमने उल्टा उल्टा नीट कर लेना है। बैक साइड से हमने सीधा सीधा नीटिंग करनी है और फ्रंट साइड से यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप लोग को बता दूँ कि कितना फंदा रह जाए तो हमने इसको क्लोज करना है फंदे को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे टोटल 14-15 फंदे जब बस जाएँ तो आपने इसको कैसे क्लोज करना है, बाइंड ऑफ करना है सारे फंदे को, वो मैं बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एक सीधी देखिए लाइन में ये चोटी बनती हुई जाएगी जब आप 3 का 1 करेंगे। लेकिन याद रखें फ्रेंड फंदा हमारा उल्टा नहीं होना चाहिए, उलटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पे देखिए हाफ फंदे एक सिलाई में हमने लेना है। टोटल हमारे जितने फंदे हैं 14 या 15 फंदे बचे, तो आप इसको क्लोज कर लें। और फ्रेंड कभी कभी ये होता है कि हमारा पंजा चौड़ा होता है, तो आप बीच में इसमें लगातार आप ना घटाई करें, 3 का 1 ना करें, एक एक सिलाई के बाद करें, फिर अच्छा बन जाएगा आपका। 1 2 3 4 1 2 3 देखिए फ्रेंड हमने बराबर इस पर कर लिया। अब हमने तीसरी सिलाई लेनी है और सारे फंदे को हमने इसको बाइंड ऑफ करना है यानी बंद करना है। एक फंदा इस सिलाई का लेंगे हम और एक फंदा इस सिलाई का, फिर इसको हम बुनेंगे उल्टा उल्टा, फिर एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का, और ये हमने बुन लेना है। और फ्रेंड आप याद रखें आपने सीधे के साइड से इसको बाइंड ऑफ नहीं करना है, उल्टे के साइड से देखिए हम इसको बंद कर रहे हैं। अब हमने पीछे के फंदा आगे ले जाके ये हमने फंदे को बंद कर दिया। फिर हमने 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 2 का 1 किया। ऐसे ही हमने सारे फंदे को क्लोज कर लेंगे। फिर पीछे का फंदा आगे ले लाकर फंदे को क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए हमने 2 का 1 पीछे का फंदा आगे लाएंगे। फिर यहाँ पे हमने ये लास्ट हमना 2 का 1 फिर इसको हमने क्लोज कर देना है और इस ऊन को कट कर देंगे हम। हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसको इसके बीच से ले जाके हम इंसर्ट करके फिर इसको खींच देंगे। और धागे को हमेशा आपने बड़ा ही कट करना है। अब देखिए फ्रेंड हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा देखिए ये हमारा ऐसे बनकर आएगा, ये वाला पोर्शन फ्रेंड देखिए ये वाला। तो ये हमारा लेफ्ट का है और ये हमारे राइट पैर का है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अंगूठे को बनाने के बाद फिर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। आपको मैंने स्टिचिंग करना भी बताया है, आप चाहें तो इसको क्रोशिया से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, आप चाहें तो देखिए मेरे पास बीड्स हैं देखिए कलरफुल, तो अगर आपके पास भी अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेट वाली डिज़ाइन पे अक्सर यूज़ किया जाता है, तो आप चाहें तो फ्रेंड्स जैसे आप ऐसे
सारे यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, या छोटी वाली बीड्स हो दे, जैसे देखिए ये वाइट वाइट कलर का है, तो ये ब्लैक पे बहुत अच्छा आता है कॉम्बिनेशन इसका, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप चाहे तो क्रोशिया सा इसको बनाएं, या तो आप चाहे आप क्रोशिया से इसकी स्टिचिंग करें, या तो सुई से, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया था, ये मैंने सुई से स्टिचिंग की है, क्रोशिया से भी स्टिचिंग करने बताया ही है मैंने आप लोग को। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।